बैक टू आवर चैनल, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो उठना मुझे था 7 बजे, पर उठते उठते जो है 8:30 मुझे हो गए। तो सबसे पहले मैं गई वॉशरूम जाकर के फटाफट से नहाया है, और नहाया इसलिए है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो जल्दी से मैं भी अपने जो है बाल वगैरह जो है ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ईयर छोटी है, धूप निकल नहीं रखी, तो मुझे उसे ट्रीट वगैरह कराना होता है। तो मेरे बाल जो है सूखे होने चाहिए, क्योंकि मम्मी का जो होता है सर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए आने के बाद, क्योंकि फिर उसको ठंड लग जाएगी। तो चलो मैं जल्दी से अपना ड्राई जो अपने बाल को कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आप लोगों से। तो जरूर शाम पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। यहाँ मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ, और वहाँ से यहाँ देखो मुझे कैसे देख रही है, ये देखो। तो आज धूप नहीं निकलेगी ना, आज तो धूप का भाई कोई नामो निशान नहीं है। तो जो सारा हमारा मंदिर जो है साफ हुआ है, जोत बत्ती जो है सारी चीजें साफ वगैरह करी है मम्मी ने, अंदर कर रही है वो शायद वॉश, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए धोकर लगाओगे ना आप जो? हाँ यार मान धोकर ना जी, वो अमन हो जाएगा ना। हाँ। जब गंगा जल का छीटा लाग के सारे घर में, और फिर सांध के लगाओगे जो। अच्छा माई बरसो जी, सब कुछ कर दिया उन्हें, 11 दिन भाई मारी के जोत लग गया। खानदान तक खून टाइप का है, जाना ना जाना हो तो अभी मजबूती है, अपना परिवार तो एक का है। मंदिर साफ कर दिया सारा, तस्वीर पूछ पाछ कर गंगा जल का छिट्टा मार दूंगी, ये मान लीजिए। अरे अपना सारे लत्ते उत्ते धो मान लिए, मंदिर के भी उसके भी घर के भी सारी चंदर उदर सब, ये किस्म का सूतक हो जाए, शावर सूते के को है, मतलब बच्चा होने की दिशा हो जाए है। हाँ। और मरने की सूतक हो जाए, ये एक चीज हो जाए, इसमें सारी दुआ मांगी हो है। मतलब 13 दिन के बाद आप जो कुछ हाँ। भी कर सकते हो घर में, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, त्योहार तो सब कुछ ज्यादा, जैसे हमारी सकरात नहीं मनी, हमारा मतलब वो के ढाई हो के गया, मास नहीं मनी, कुछ नहीं हुआ, आखिरी जोत बत्ती मतलब घर में कुछ हो जाए। मनोज के दो व्रत मंगल के भी रह गए हुए, मंगल के व्रत भी रह गए, मंगल आज जन तो वो भोए लिया। हाँ। दिन में करता हूँ जोत बत्ती, उधर भी नहीं करा, फिर पिछला मंगल ये एक और गया, अगले मंगल ने पकड़ लेगा फिर अपने दोबारा। तो चाय बनने के लिए रखी है, तो मम्मी बताएंगे चाय हम कब पीएंगे। तो मम्मी सब नहा लिया, और आप अभी सब ये सब रख दो कि फिर चाय पी सकते हैं। हाँ चाय पी सकते हैं, चाय कर वे भी पियोगे, सब पियोगे, बाल का नोट नवाई का एक जो टिप पहला था दिया ना, और फिर दिया ना। पानी हो रहा है? पानी हो रहा है, ठीक है। हाँ मजे बात ये ना दादा ना दिया बटू पूछती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मम्मी क्या बता रही थी, तो हमारे पड़ोस में हमारे रिश्ते में ही जो है किसी की डेथ हो गई, जो कि हमारे चाचा थे, मतलब यूवी के चाचा तो मेरे भी चाचा, और इसका कि आज उनका जो है 13वीं है, तो 13वीं वाले दिन जो है कुछ पूजा पाठ इस तरह की होती है कि उसके बाद आप लोग जो है अपने घर में अपने मंदिर में जोत जला सकते हैं, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है आप वो कर सकते हैं, मतलब इस तरह की पूजा जो है उनके घर में जो है होगी, और पूरे घर में गंगा जल जो है छिड़का जाएगा। तो इस करके ही मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हम लोग सुबह इतनी जल्दी उठ करके क्यों नहा। तो मैंने नहा लिया, मम्मी ने नहा लिया, मीना ने नहा लिया, घर का जो है झाड़ू पूजा वगैरह सारी चीज़ें जो है हो गई है। तो बस अभी मम्मी सारा सामान मंदिर में रख करके उसके बाद हम लोग जो है चाय पियेंगे। मम्मी ने कहा था नहाने से पहले पहले नहाओगे उसके बाद चाय वगैरह जो है पी लेना, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं सबसे पहले सुबह उठ करके ईया को यूवी को पकड़ा के मैं नहाने ही चली गई कि जल्दी से अपना निपटा लूँ, और मैंने बाल अपने सुखा लिए क्योंकि मुझे ईया को फीड कराना होता है, तो फिर मुझे बाल के लिए मैं नहीं रख सकती।
तो बस अभी बच्चे नहाना रह रहे हैं, जो कि ध्यान और मेरी इया इनको नहला देती हूँ फटाफट से, फिर मेरा जो है काम ही निपट जाएगा। और आज जो है तेमी भी हो जाएगी और वो जहाँ कहीं भी है वो उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति मिले। और बस क्या है ना ध्यान, तो बस जल्दी से मैं अपने काम जो है निपटा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो बस अभी मैंने जो है मम्मी को चाय वगैरह दी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा और चाय भी, बाकी जोत का सामान वगैरह सब कुछ धो मांज करके मम्मी ने रख दिया। और शाम को हमारे घर जो है जोत जलाई जाएगी, जो कि पिछले 13 दिन से जो है नहीं जल रही थी चाचा के लिए, तो आज उनके घर में सारे हवन वगैरह जो है सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। तो बस आज हम लोग भी अपनी जो है जोत जला। तो वैसे मैं एक बार और मम्मी से कंफर्म करती हूँ कि हमें और कुछ अभी करना है या नहीं करना है। और मैंने अपना कर लिया नाश्ता वगैरह, तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में, किचन में जाकर अपना खाना पीना वगैरह करती हूँ। ये सारे काम जो है निपट गए हैं, लंच भी बन गया है और बस अब मैं जा रही हूँ अपना लंच लेकर के बाहर, ध्यान में बैठ करके खाएंगे। और ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।